वन पीस का चैप्टर 1084 अनऑफिशियली साइट्स पे आ गया है एंड दिस चैप्टर इज द डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर 1083 विच इज़ अ गुड थिंग आई गेस. ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस एट ऑल. 6 चैप्टर्स हो गए हैं एंड अब तक एगहेड पे ओडा फोकस ही नहीं किया. डैम आई एम लविंग दिस. अभी तक चैप्टर रीड नहीं किया है तो पहले रीड करके आओ फिर ये वीडियो देखना. बात करते हैं ऑन दिस चैप्टर आफ्टर दिस इंट्रो. लेट्स बिगिन. इस पूरे चैप्टर में हमें मरीजोआ में रेवरी के टाइम जो जो हुआ वही दिखा है. पहले तो हमें साबो और बोनी का डायरेक्ट इंटरेक्शन दिखा है विच वेंट वेल. आई मीन दे हैड द सेम गोल. सो या अब देखना साबो बोनी की शिपिंग चालू हो जाएगी. ऐसे एक साथ दिख गए ना इसलिए. नाउ दैट वी नो दैट बोनी नोज साबो आई वंडर ये चीज़ लूफी को कब पता चलेगा. आई एम श्योर लूफी किसी वे में मेंशन करेगा बोनी के सामने कि वो साबो का भाई है एंड देन बोनी उससे ये बताएगी कि वो साबो से मरीजोआ में मिली थी. लूफी यामाटो जैसे एस के लिए बात किए थे वैसा ही सेम चीज़ हो सकता है यहाँ पे. होगा देखना. एक चीज़ जो नोट करने की है वो ये है कि साबो का लास्ट में ध्यान गया ऑन द फैंटम रूम एज यू कैन सी इन दिस पैनल. इन द लिस्ट सोल्जर्स ने उसके बारे में बात किया. फैंटम रूम बाय द वे वो सेम रूम है जिसमें कोबरा एंड गोरोसे एंड ईमू का इंटरेक्शन दिखा है जो कि अगले पेजेस में हमें दिखा है. लेट्स टॉक अबाउट दैट. एक्चुअली इमू वाले पूरे चीज़ के बारे में लास्ट में बात करते हैं. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस शिराहोशी वाला हरकत. तो चार्लोस दल्ला फिर से कोशिश किया शिराहोशी को पकड़ने का एंड उसके साथ कुमा था तो वो हवा में उड़ रहा था. बट साई एंड लियो डैम दिस चैट्स बीट द शिट आउट ऑफ चार्लोस. आई रियली लाइक द साई एंड लियो इन दिस चैप्टर. द हीरोज वी डिडंट नो वी डिजर्व्ड. दे डिड अ वेरी गट्सी थिंग यू सी. सेलेस्टियल ड्रैगन को मरीजोआ के अंदर ही पीट देना डैम. इससे इनके दिक्कत बढ़ सकते हैं बट म्यूसगार्ड ने जैसा बोला कि ही विल टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो आई एम गेसिंग कि इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली इन्हें. एंड इस पूरे लोकोमोशन में मोरली आया और वो कुमा को लेके बढ़ लिया. नाइस. वैसे चार्लोस कितना भी हरामखोर है जब इसने ये लाइन मारा ना आई वॉज लाफिंग माई एस ऑफ भाई. भाई मछली बोल के रोस्ट कर दिया भाई दल्ले ने शिराहोशी के भाई को. डैम. वैसे क्या चार्लोस मर गया है. आई वंडर. एक प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए इस चीज़ पे. होप्स मर गया वो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन शिट दैट हैपेंड इन दिस चैप्टर द इमो सिनेरियो. लास्ट चैप्टर जहाँ पे एंड हुआ था वहीं से कंटिन्यूशन दिखा है. कोबरा को हम देख सकते हैं बात करते हुए विद गोरो से एंड कोबरा ने एक रिवीजन से करा दिया अबाउट द वर्ल्ड गवर्नमेंट सिस्टर ड्रैगन्स एंड द 20 स्वॉर्ड्स. ये सब वैसे पहले ही हमें बता दिया था ओडा ने इन चैप्टर 907 बट आई थिंक दिस रिवीजन वाज नेसेसरी क्योंकि मैं खुद भूल गया था कि 907 में क्या बताया गया था. लेकिन कोबरा के थ्रू हमें काफ़ी नई एंड क्रूशल इन्फो भी मिली है. पहले तो कोबरा ने एक फाउंडिंग मेंबर ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट का नाम बताया है नेफरतारी लिली. इस चैप्टर के स्पॉयलर्स रीड करते टाइम आई थॉट कि ये जो लिली है ये कोबरा की वाइफ है एंड शी वॉज द रियल रॉयल ब्लड एंड कोबरा इससे शादी करके खुद को सेलेस्टियल ड्रैगन क्लैन का पार्ट बना लिया है. बट ऐसा नहीं है. नेफरतारी लिली वॉज वन ऑफ द 20 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट बट अनलाइक द 19 ऑफ देम हु डिसाइडेड टू रिसाइड टुगेदर एंड बी सेलेस्टियल ड्रैगन्स लिली डिसाइडेड टू गो बैक टू हर एक्चुअल किंगडम i.e. अलाबास्ता किंगडम. बट जैसा कोबरा ने बोला कि शी नेवर एक्चुअली रिटर्न टू अलाबास्ता एंड फिर लिली के छोटे भाई ने लिली का विश पूरा किया एंड कोबरा इज द डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ द छोटा भाई ऑफ लिली. तो कोबरा का सवाल ही यही था गोरोसे से कि लिली गई कहाँ. ऑल्सो कोबरा मैंशनड अ लेटर जो जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होते जा रहा है एंड द स्पेशल थिंग अबाउट दिस लेटर इज कि इसमें विल ऑफ टी मैंशनड है. नाउ आई एम श्योर इस लेटर में विल ऑफ टी क्या है ये तो नहीं बताया गया है वरना कोबरा पूछता है क्यों गोरोसेस राइट. बट दिस लेटर कैन बी वेरी क्रूशियल थिंग इन द स्टोरी. ये लेटर से हमें हिंट्स मिल सकते हैं रिलेटेड टू विल ऑफ डी एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट आई एम श्योर इस लेटर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी. एंड हु डू यू थिंक हैज दिस लेटर राइट नाउ. Well, yeah, you guessed it right. It's Vivi. This confirms कि आने वाले टाइम में Vivi काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है स्टोरी में एंड मोस्ट लाइकली वो स्ट्रॉ हैट से फिर से यूनाइट होगी एंड वो ये लेटर उन्हें दिखाएगी एंड फिर हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल सकती है विल ऑफ डी से रिलेटेड. अभी तो वो लेकिन मॉर्गन्स के साथ है तो आई वंडर वो कैसे लूफी लोग से मिलेगी. बट या द पॉइंट इज कि वो मिलेगी एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट नाउ हैज़ अ क्रेडिबल रीजन टू चेज हर. वैसे यू गाइस रिमेंबर कि इमू वीवी का फोटो देख रहा था इन चैप्टर 906 और 907. नाउ वी नो कि वो क्यों ऐसा कर रहा था क्योंकि वीवी काफ़ी हद तक दिखती है नेफरतारी लिली जैसे. दिस सिल्वेट इज द प्रूफ. आई एम श्योर वीवी के जो ब्लू हेयर्स है वो लिली से ही आए हैं एंड सिंस सभी फीमेल कैरेक्टर्स वन पीस के नाम ही जैसे दिखते हैं आई एम श्योर वीवी लुक्स एग्जैक्टली लाइक लिली जस्ट अ चाइल्ड वर्जन ऑफ एडल्ट लिली एंड इमू समहाउ इज डीपली कनेक्टेड विद लिली.
ही स्लैश शी मे बी लव्ड हर और डिजायर्ड हर, क्योंकि दिस लिली थिंग एक्सप्लेन्स कि क्यों इमू सिंप जैसे वीवी के फोटो को देख रहा था, एंड लिली के बारे में सुन के वो बंदा कोबरा के सामने आ गया, एंड लिली इज द फर्स्ट वर्ड वी हर्ड फ्रॉम इमू इन दिस स्टोरी. डैम, लिली इज समथिंग वेरी स्पेशल फॉर इमू, एंड आई होप हमें और भी चीज़ें पता चले लिली से रिलेटेड एंड लिली का इमू के साथ जो रिलेशन था उससे रिलेटेड. वैसे लिली के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है, आई थिंक आई हैव अ स्मॉल थ्योरी रिलेटेड टू इट. सी, हमें बताया गया कि 20 फाउंडिंग किंग्स ने अपना स्वॉर्ड डाल दिया था थ्रोन के सामने टू टेक एन ओथ कि वो कभी भी अपना रिलेशंस बिगाड़ के किंग बनने की कोशिश नहीं करेंगे. लेकिन कोबरा ने जैसा बोला कि लिली फाउंडिंग मेंबर होने के बाद भी उसने तलवार नहीं डाला था इन फ्रंट ऑफ द थ्रोन. लेकिन जो साबो का स्टेप ब्रदर है, जब वो थ्रोन देखा था तब वहाँ पे क्लियरली मैंशन था कि 20 स्वॉर्ड्स है, विच मीन्स कि या तो वो और उसके साथ जो आदमी था वो गलत नंबर ऑफ स्वॉर्ड्स देखे, या उन्हें सारे स्वॉर्ड्स दिखे ही नहीं, या फिर एक्चुअल में 19 नहीं बल्कि 20 स्वॉर्ड्स ही है थ्रोन के सामने. विच मेक्स मी वंडर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लिली को इमू ने मार दिया एंड देन ही स्लैश शी प्लेस्ड हर स्वॉर्ड इन फ्रंट ऑफ द थ्रोन टू, ताकि वो दुनिया से लिली का इंटरेस्ट अलावास्ता पे रूल करने का छुपा सके. ऑल्सो कहीं ऐसा तो नहीं कि दिस वॉज ऑल अ बिग कॉन्स्पिरेसी एंड लिली ही एक्चुअली में इमू है. ये एक पॉसिबिलिटी है, बट इसके होने के चांसेस कम है, क्योंकि लिली के वीवी के फोटो को देखना मेक सेंस, बट अगर लिली ही इमू है तो फिर वो विल ऑफ डी का मेंशन ही क्यों करेगी उस लेटर में, राइट? ऑल्सो ये जो इमू का अपियरेंस है, इसी को साबो ने भी देखा है, विच मीन्स कि ओडा डायरेक्टली नहीं तो थ्रू साबो के तो बताएंगे ही अबाउट दिस कन्वर्सेशन. इस कन्वर्सेशन के एंड तक ही आई थिंक कोबरा को इमू या गुरु से मार दिए एंड साबो फिर फ्रेम हो गया. थिंग्स आर गेटिंग रियली इंटरेस्टिंग. ओडा फ्रॉम द लास्ट 3-4 चैप्टर्स फोड़ रहा है मस्त. नेक्स्ट वीक ब्रेक है, इमू ने एक वर्ड बोल के ब्रेक ही ला दिया. डैम, ये रेडिट में किसी ने लिखा था, ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट ऑफ दिस जोक, ऑलराइट. एक और चीज़ जो रेडिट में लिखा था एक बंदे ने, वो ये था कि लिली सुन के द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माइंड इज अमेजॉन लिली. अमेजॉन लिली इज अफिलिएटेड विद स्नेक्स, राइट? एंड कोबरा क्या है? एनीवेज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई वंडर एग हेड कब दिखेगा. मत दिखाया उड़ा उसको, मस्त इसी को दिखाते रहो भाई, मज़ा आ रहा. चलो मैं निकलता है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में सुनने मिलेगी, तो बाय बाय.